जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट भेजने से। मैं जनरल माथुर के पास चल रहा हूं। जनरल माथुर, हमारे ही देश में कुछ नेता ऐसे हैं, कश्मीर में बैठे कुछ नेता ऐसे हैं जो कि लगातार इस बात की वकालत करते हैं कि बात करो, पाकिस्तान से बात करो, बात करने से हल मिलेगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। लेकिन इसी बीच बात करने की वकालत के दौरान वो घुसपैठ भी कराते हैं, आतंकी भी भेजते हैं, ड्रोन से हथियार भी ड्रॉप करते हैं। तो क्या इस माहौल में बात हो सकती है और बात से हल संभव दिखता है आपको? रोहित, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ जी कि हम लोग कुछ फैक्ट्स को बिल्कुल सही चैनल के ऊपर आना चाहिए जी। हजारों इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं या आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये स्टेटमेंट ना तो सही है और ना ही हमारे इंटरेस्ट में है। हम लोग भटक जाएंगे जो असली मुद्दा है उससे। जहां तक सवाल बातचीत का है, मेरा ये बहुत फर्म मानना है कि बातचीत उस समय हो जब माहौल बातचीत का बना हुआ हो, और आज मेरा ये प्रश्न है कि आज की तारीख में बातचीत का माहौल नहीं है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इवेंचुअली, रोहित प्लीज गिव मी टाइम, इवेंचुअली ये हमको बातचीत से ही इसका मसला इवेंचुअली से हल होगा। लेकिन उसके पहले मिलिटरली हमको इस अपने आप को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लाना पड़ेगा और अपने आप को बातचीत के लिए सही माहौल बना करके अपनी सरकार को देना पड़ेगा ताकि, और है, आप देखेंगे पिछले 10-12-15 सालों में बहुत जबरदस्त यहाँ पर माहौल बना है। अभी सुधाकर जी कह रहे थे कि टूरिज्म बढ़ा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सारी एक्टिविटीज हो रही है। घाटी में एनिमी टेररिस्ट एक्टिविटी लगभग कंट्रोल में है। आप ये बोल रहे हैं, कई वजह है कि जिनकी वजह से जो हो रहा है, ये यहाँ पर एक्टिविटी जम्मू डिविजन में बढ़ रही है, उसकी कई वजह है। हम कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं आपके चैनल पे, लेकिन उन वजहों को हमने देख लिया है, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। मेरे 2-3 इश्यूज हैं कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण तरीका होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने का, पेशेंस। आप इसी के ऊपर ना मिलिट्री पर ना राजनीति सियासत पर दबाव डाल करके कि जल्दी करो, ये करो, वो नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोच सही रहती है। इसमें जनरल साहब, हमें 33 साल हो गए ये भुगते हुए, आप कितनी देर तक पेशेंस रखेंगे? जब तक हम एक महीने में 12 जवान भी बलिदान दे रहे हैं और आप कह रहे पेशेंस रखो, कितनी देर तक रखेगा देश? जानते वो लोग हैं जिनके परिवार वाले शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार वालों से पूछ लो। कब, कहां और कैसे क्या एक्शन लेना है, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी और कोई और दूसरा इसके अंदर उनको 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 दिखावा नहीं करेगा। आप ये देखें, पिछले कई समय से रोहित, कई समय से आप देखेंगे कि हमारे टोटल अप्रोच में जबरदस्त चेंज आया है। मैंने देखा है, मैंने भी 40 साल फौज में निकाले हैं, मैंने देखा है वो चेंज, जो माइंडसेट में चेंज आया है। ये बात अभी राजनीति करने की नहीं है, माइंडसेट में चेंज आया है, जो एक जवान के सोल्जर के सोच में चेंज आया है, वो किस प्रकार से एक्शन अपने लेवल पर ले सकता है उसमें बदलाव आया है। इसके ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज, आज एक गंभीर समस्या को हम डिस्कशन कर रहे हैं और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी अचानक बहुत तेजी के साथ लिया गया एक्शन आपके लिए गलत साबित हो सकता है। एक्शन हो रहे हैं, सही हो रहे हैं और आप देखेंगे। लेकिन पता है, लेकिन सर पता है, सवाल यही है कि आखिरकार कब तक? ऐसा तो नहीं है कि हम टेररिज्म के विक्टिम अभी से हैं, बहुत वक्त से टेररिज्म के विक्टिम हैं। और सवाल ये भी एक उठता है ऐसे में, मतलब मेरे जहन में भी उठता है, मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है इस बारे में। हाँ, मैं अपनी बात रख लूं, फिर आप आइए, मैं आपके पास। हाँ, मेरे मन में भी ये सवाल उठता है कि देखिए सर, उनके तो आतंकी मारे जाते हैं, एक आतंकी दो आतंकी मरता है, फिर वो लोगों को बरगला के और आतंकी तैयार कर लेते हैं। लेकिन हमारा जब नुकसान होता है तो बड़ा नुकसान होता है, हम अपने जवान को खोते हैं, उनके पास आतंकी मरते हैं, हम अपने जवान खोते हैं। सवाल यह कि ये कब तक चलता रहेगा? अब बोलिए, इसका जवाब मैं आप चाहूंगा कि मुझे मिले।
देखिए रोहित जी, मैं टाइम है रोहित जी, मैं थोड़ा आपको अपने दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं कि आतंकी कैसे मरे, आतंकी ऊपर कैसे प्रहार किया जाए, वो एक स्ट्रेटजी बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है। और एक बात है कि डेवलपमेंट जो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये भी बड़ा एक कारण है जो आतंकी गतिविधियां वो बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि हमने देखा कि पंचायत इलेक्शन में कितनी 93% लोग पार्टिसिपेट किए थे वहां का जो वोटिंग हुआ था उसमें, और उसके बाद भी जितने भी इलेक्शन हुई है उस इलेक्शन में बड़ी तादाद में लोग जो वहां के आवाम है, कमन लोग हैं, वो पार्टिसिपेट किए थे। यही बड़ा सिरदर्द बन गया पाकिस्तान का कि अगर वो लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो युवा जो बेकार युवा जो अभी जो 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 इन्वेस्टमेंट किया गया है, मैं पूरा गिनाना तो एक घंटा चला जाएगा उसमें, उसमें युवा लोग उसमें भर्ती नहीं हो रहे हैं। जो ये जो स्लीपर सेल चला रहे हैं, जैशी मोहम्मद बोलिए, लश्कर तैयबा बोलिए, इन लोग अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं कि युवा जो कश्मीर का युवा जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बुरहानहानी उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, यही एक फ्रस्ट्रेशन, यही एक मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ है, आतंकी इस तरह की चीजों में कमी आई है। मैं खुद गया था वहां पर, मैं खुद कश्मीर गया था सर, मैं खुद लाल चौक में गया था, मैंने लाल चौक से शो भी किया था और एक पॉजिटिव वाइब्स मैंने महसूस की थी वहां पर, ऐसा नहीं है, मैंने महसूस किया था इस चीज को, इस चेंज को। पहले बार 70 साल में पहली बार मुहर्रम उन्होंने जश्न तो नहीं कहेंगे, इस भावना से मुहर्रम के पालन किया गया, ये पहले कभी नहीं लाल चौक में हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा आज ठीक है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा, मैं सुशील वकील जी के पास चल रहा हूँ, वो भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की चीजों को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। सुशील जी आप अपना नजरिया आप रखिए, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा देर हो गई आपके पास आने में, आप बोलिए, पूरा टाइम दूंगा आपको। देखिए जी रोहित जी, अभी हमारा जो आज के कुपवाड़ा में दोबारा से फिर अटैक हो गया, जून 9 के बाद ये 7वां अटैक है हमारा। ये हम उस स्थिति में है, हम कितना भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली मना दे या सीज फायर करते हैं उसके बाद भी होता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी चीज है वो कभी सुधरेगी नहीं। आप देख लीजिए, हम जो हमने 2 बार इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस अगर आज भी फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, 2-3 के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कैंप्स है वहाँ पर कैंप्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उड़ा देंगे। लेकिन समस्या इस चीज़ की है, जब तक पाकिस्तान कमज़ोर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन इजरायली टाइप की एक्शन नहीं ली जाएगी, तब तो किसका कोई हल नहीं होना। आज देख लीजिए, आज कुपवाड़ा में आ गए, कुछ दिन के बाद कुठवा साइड से आएंगे, उसके बाद रणबीर सिंह पोरा से आएंगे, कभी आतंकी दुबई से भेज देते हैं, कभी नेपाल से भेज देते हैं, यह सिलसिला जारी रहेगा। जब तक यह पाकिस्तान को दौज नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा उनको यह सबक नहीं सिखाया जाएगा, ये तो चलता रहेगा। आप देखिए, 2 जून और जुलाई में हमने 12 फौजी अपने खो दिए, उनका बलिदान करवाया, फिर 13-14 ये भी सिविलियन मारे गए, ये सिलसिला जारी रहेगा। कल जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, देखो धोखे से वार करोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, या पाकिस्तान तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है, या तो कोई एक्शन हो, नहीं तो कहने से कुछ नहीं होना। हम 33 साल से भुगत रहे हैं, 33 साल से हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली फ्रंट पे भी आ रहे हैं, हर फ्रंट पे आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई चीज़ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, बात देश पहले से आपकी नज़र में क्या सही है, आपकी नज़र में क्या सही है, मतलब क्या जरूरी है या कहाँ चूक हो रही है? पूरा जबकि उनको कोई सबक नहीं सिखाया कि या आज कुपवाड़ा में अगर एक मारा गया या चार आते चारों मारे गए जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान निकल पड़ा है इसी चीज के लिए, भारत को बर्बाद करना है। आज 4 मारे जाएंगे, 10 दिन के बाद फिर वो 8 भेजेंगे, 8 मारे जाएंगे तो फिर 15-16 भेजे जाएंगे। आप देख लीजिए, हमारे देश का इस टाइम जो सारा बल है वो है विकसित भारत पर, लेकिन हमें क्या करना है, सुरक्षित भारत पर ज्यादा बल देना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस बार डिफेंस का बजट नहीं बनाया गया, बढ़ाया नहीं गया। आप देखिए, इस टाइम चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान और कश्मीर में अपने लेटेस्ट राडार, टैंक्स वगैरह सारे हेलीकॉप्टर्स डाल दिए। इवन जो यह डोडा में जो आतंकी कुछ पकड़े गए पहले भी,
उनके पास चाइना का दे अभी ग्रेनेड्स वगैरह जितना भी चाइना का एमिशन है बायनोक्यूल्स वगैरह चाइना के मिल रहे हैं। अभी हमें डिफेंस के और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में जैसे अभी तक ये हम एक्शन कर रहे हैं, जैसे हमारा जो इनका जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो मदद कर रहे हैं, यही भी सुनने में आया कि डोडा में जो छिपे हुए जंगलों में पूर्व को जो राशन पर खाद पहुंचा रहे हैं 20-30 हज़ार उनको दे रहे हैं राशन वगैरह पहुंचाने में, जब तक ये लोकल सपोर्ट भी पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाएगा ये समस्या तब तक होती ही जा रहेगी। इसलिए भारत या सरकार को पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर ये एक्शन कर रहा है, हमें भी यहाँ से सेम एक्शन करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए आज तक 33 साल में जब भी बॉर्डर पे यह हो गया अपना उन्हें सीज फायर कर दिया, हर बार पाकिस्तान ही उल्लंघन कर रहा है, हम क्या उसके खिलाफ कर रहे हैं? अब जब तेजा सिंह जी कह रहे हैं देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तेजा सिंह जी को मैं पूछना चाहता हूँ, जब बॉम्बे के होटल पे अटैक हो गया, बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे अटैक हो गया, 160 लोगों की जान गई जिसमें बहुत सारे नागरिक विदेशी भी थे। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, मैं सुधाकर जी के पास चल रहा हूँ। सुधाकर जी एक चीज और है, क्योंकि मेरी कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी बातचीत हुई थी डिबेट के दौरान, अब एक अलग ही चीज निकल कर सामने आ रही है, एक अलग ही टेंजेंट पर वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो खुद टेरर विक्टिम है। क्या सच में ऐसा है, पाकिस्तान टेरर विक्टिम है, तो फिर इस तरह की चीजें क्यों होती, या वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा मुद्दे आपने उठाए हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं और सुशील जी को भी बहुत बधाई देना चाह रहा हूं कि ये एक नॉन स्टेट एक्टर पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के बाद ये जो डीप स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को लिखा गया उनका, और 1979 को उन्होंने फॉर्मली एक कॉन्सेप्ट दिया था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जुल्फिकर अली भुट्टो जाके स्टेटमेंट दिया है स्पीच में, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ना ब्लीड विद इंडिया विद 1000 कट कोई एक रात का तो ऑपरेशन नहीं है या 10 दिन का तो थ्रेट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म थ्रेट है। एक लॉन्ग टर्म थ्रेट को सुलझाने का तरीका एक ही होता है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। ये नहीं कि वो पुंछ और रजौरी और रियासी में ठंड पड़ गया कोई हरकत नहीं हो रहा है हम वहां से ट्रूप्स निकाल लेंगे, ना ये ऐसा नहीं होता है। बॉर्डर स्टेट्स में आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को जब तक हासिल नहीं कर, जब तक पाकिस्तान है मान के चलिए रोहित जी, ये उनका जो पूंछ है कभी सीधा नहीं होगा, ये ऐसा ही चलते रहेगा। सोल्यूशन क्या है? नॉन स्टेट एक्टर की जो मसला है, नॉन स्टेट एक्टर या कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए से होना चाहिए। हिंदुस्तान को क्या रोक रहा है कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर जो दुरान लाइन है इसको बिना सामने आके, बहुत सारे मौके हैं, मुद्दे हैं जिनको हम अच्छी तरह अप्लाई करके ये बॉर्डर को एक्टिव कर सकते हैं। नंबर दो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या ये जिहाद जो उनके एक तंजीम है, कुछ बिना करके ये उनका अगर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये भी हम हिंदुस्तान के फेवर में काम हो सकता है। बलोची लिबरेशन आर्मी ये भी बिना कुछ किए ये भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर ऑलरेडी अनरेस्ट हो रहा है, तो ये सारे चीजें मध्य नजर रखते हुए मैं सुझाव 2-3 देना चाहता हूँ। नंबर एक, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर लागू किया गया है 1 फरवरी से, इसको कंडीशनल बनाइए पाकिस्तान के साथ, जितना तुरंत होगा उतना ही अच्छा है कि टेररिज्म नहीं रोकेंगे हम, उसी वक्त उसी दिन एक जवान मरते ही हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। अटैक किया जाएगा कैलिब्रेटेड मैनर में, टारगेट हम चुनेंगे, समय और स्थान वो भी हम चुन के अटैक करेंगे। नंबर दो, ISI को बैन करिए। नंबर दो, तीन, जो K2 डेस्क एक्टिवेट हुआ है 5 अगस्त 2019 से, चाइना इसको मदद कर रहा है। नंबर चार, लेकिन सवाल ये आपने जो बातें कही सुधाकर जी, मैं इन्हीं बातों को लेकर मैं अनुज माथुर जी के पास चल रहा हूँ। सर, जो बातें अभी सुधाकर जी ने कही बिल्कुल ठीक सारी बातें, लेकिन सवाल ये है कि वो पाकिस्तान जिसके बैट के जो फौजी हैं वो आतंकियों को बॉर्डर पार कराने बॉर्डर तक आ गए, वो पाकिस्तान मानेगा? वो पाकिस्तान की सेना जहां पर सिर्फ सेना का हुक्म चलता है वो मानेगी ये बात? कभी नहीं मानेगी, कैसे विश्वास कर लें? बिल्कुल बिल्कुल आप कुछ सही कह रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि सरकार का तो कोई रोल है नहीं वहां पे, सरकार तो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है सेना के सामने। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, हर देश के पास एक सेना होती है, पाकिस्तानी सेना के पास एक देश है, ये बात कई बार कही जा चुकी है, ये बात आप समझ लें। सेना, पाकिस्तान की सेना खुद एक आतंकवादी, आतंकवाद का गढ़ है, एपिसेंटर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आज की तारीख में एक विदरिंग स्टेट है। आप
बिखर रहा है, सब तरफ से बिखर रहा है, और जो सुधाकर जी कह रहे हैं वो शायद ऑलरेडी हो रहा है। आप बलूचिस्तान में देखें क्या परिस्थिति है, पखेबर पख्तूनख्वा में देखें क्या परिस्थिति है, पीओकेके में देखें क्या परिस्थिति है, सिंध में देखें क्या परिस्थिति है, टूरेंट लाइन पे क्या परिस्थिति है, ईरान के साथ क्या स्थिति है। पाकिस्तान आज अपने तमाम ग्लैंड नेबर्स के साथ लड़ाई लड़ रहा है और उनके पास और कोई चारा नहीं है। उनके पास ये अपने जो डिफेंस बजट में उन्होंने इजाफा करवाया है उससे बचने का कोई चारा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इसको एस्केलेट करते हैं तो क्या हम पाकिस्तान को एक और मौका, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो पहले ही विदर हो रहा है ऑटोमेटिकली, उसको हम एस्केलेट करके मुझे नहीं लगता कि उनको एक नया प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। लेकिन हमें अपना इंटरनल काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड, काउंटर टेरर ग्रेड, रियर एरिया सिक्योरिटी ग्रेड को बहुत सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। आपको कहीं लूपहोल्स नहीं छोड़ सकते, आपको एक यूनिफाइड कमांड पीर पंजाल के साउथ में बनाना पड़ेगा, आपको इस बात का यकीन करना पड़ेगा जो एजेंसीज वहां पर लगी हुई हैं, वो एजेंसीज अपने इंडिविजुअली ऑपरेट ना करें बल्कि एक सिनेजाइज तरीके से एक सिंगल कमांड के अंदर वो ऑपरेट करें ताकि उनके कंबाइंड एफर्ट्स को हम निकाल सकें। आप ये देखेंगे कि बहुत जल्द आपको साउथ ऑफ पीर पंजाल एक जबरदस्त एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और वो आप अब हुआ क्या है कि जब से यहाँ से ट्रुप्स निकले हैं, जो ट्रुप्स यहाँ पर होते थे वो उनके कंपनी पोस्ट हुआ करते थे, और वो कंपनी पोस्ट जो होते हैं वो लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस का नर्व सेंटर होते थे। अब अचानक से आपको गलवान में काफी स्ट्रेंथ भेजनी पड़ी, तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो आपके लोकल जो इंटेलिजेंस अवेलेबिलिटी है ह्यूमन इंटेलिजेंस के मार्फत वो कम हुई है, तो उसकी वजह से उनको आपके। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में जितने भी टेररिस्ट साउथ ऑफ पीर पंजाल हो या नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल हो, उनमें एक भी लोकल टेररिस्ट नहीं है, वो तमाम बाहर से आए हुए हैं। उनके ऑपरेट करने का तरीका यानी कि वो एक तो प्रॉम्प्ट बट स्ट्रेटेजिक एक्शन की जरूरत है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको हर मोर्चे पर कमजोर किया जाए तभी इस तरह की घटनाओं पर, आतंकी घटनाओं पर रोक लग पाएगी, पाकिस्तान को तोड़ा जा सकेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं एक अंत में एक पॉइंट आपको मेंशन करना बस सर सर